हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल JKSSB इन्फो में। आज मैं एक सेक्शनल मॉक टेस्ट कंप्यूटर का लेके आया हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है, सो दैट आई विल ब्रिंग नेक्स्ट मॉक टेस्ट ऑल्सो। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हो, ठीक है। टोटल क्वेश्चन है 10। टेस्ट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज TCP/IP। ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी HTML, ऑप्शन डी फ्लैश। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। इसका राइट आंसर है TCP/IP, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। इन शॉर्ट, प्रोटोकॉल सिंपली मीन्स स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो अलो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करने की। उसके बाद TCP/IP का क्या मतलब है? TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTML क्या है? एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। जावा जावा एक लैंग्वेज है, ठीक है, इंटरनेट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिजाइड्स इन मैन मेमोरी ऑलवेज। कौन सा सॉफ्टवेयर ऑलवेज रिजाइड करता है मैन मेमोरी में? ऑप्शन ए है टेक्स्ट एडिटर, ऑप्शन बी है असेंबलर, ऑप्शन सी है लिंकर, ऑप्शन डी है लोडर। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है लोडर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? लोडर। नाउ बिगिंस टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लोनेक्स, लाइनेक्स, यूनिएक्स, ऑप्शन डी CP/M। तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है CP/M, ऑप्शन डी, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, तो CP/M ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली में, इन शॉर्ट में मैं थोड़ा सा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, और सुपरवाइज करते हैं जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है उसको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ठीक है। और इसके बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे लिनक्स है, लूनेक्स है, यूनिएक्स है, और भी बहुत सारे। तो आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन ए पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी वर्क स्टेशन, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी लैपटॉप। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। इसका राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ही सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है, एक्सपेंसिव कंप्यूटर भी है। इसको यूज़ करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए मिलिट्री एजेंसीज यूज़ करती है। उसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च लेबॉरटरीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर फाइव है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, जावा प्रिंटर, माउस, जावा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है जावा। तो जावा एक हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर सिंपली मीन्स दोज थिंग्स विच वी कैन टच। तो प्रोसेसर चिप क्या है? प्रोसेसर चिप CPU में होती है जिसको हम टच कर सकते हैं। प्रिंटर इज ऑल्सो अ हार्डवेयर, इसको टच कर सकते हैं। माउस वी कैन टच, बट जावा वी कैन कॉन्ट टच। एक्चुअली जावा एक लैंग्वेज होती है, इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? ईमेल क्लाइंट इज़ ए फीचर ऑफ। ईमेल क्लाइंट किसका फीचर है? MS वर्ड का, MS पावर पॉइंट का, MS एक्सेल का, MS आउटलुक का। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। इसका राइट आंसर है MS आउटलुक, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज ओनली एज इनपुट डिवाइस, इनमें से किन को एज ए इनपुट डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है टच स्क्रीन, ऑप्शन बी है मॉडम, ऑप्शन सी है टच पैड, ऑप्शन डी है प्रिंटर। तो आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टच पैड। टच पैड एक्चुअली में लैपटॉप में देखते हो आप, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन विद रिक्वेस्ट टू नेटवर्किंग? ऑप्शन ए वर्चुअल पीयर नेटवर्क, ऑप्शन बी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन सी वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, ऑप्शन डी वर्चुअली प्रोटेक्टेड नेटवर्क। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट ला सकूं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो JKSSB के, उस हर एक में कंप्यूटर सेक्शनल इंक्लूडेड है, आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना स्कोर मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ CTRL+B इन MS Word? क्या फंक्शन है, क्या काम है CTRL और प्लस बी का इन MS Word में? तो इसका काम क्या है? इट कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द बोल्ड। ऑप्शन बी इट सिलेक्ट्स टेक्स्ट अपीयर इन द इटैलिक्स। ऑप्शन सी इट अंडर्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ऑप्शन डी इट चेंजेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इट कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बोल्ड, बोल्ड में इसको कन्वर्ट करता है। आप बी से सिंपली याद रख सकते हो बोल्ड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन और ये लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का। तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर टेन? IPv4 एड्रेसेस, IPv4 एड्रेस क्या है? 8 बिट का है, 16 बिट का है, 9 बिट का है या 32 बिट का है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 32 बिट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू दोज फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JKSSB एग्ज़ाम्स, एनी एग्ज़ाम, ठीक है। थैंक यू।